EMI कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, जब भी हम EMI कार्ड्स का नाम सुनते हैं सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है बजाज फाइनेंस से EMI कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो बजाज फाइनेंस से EMI कार्ड है, इस पे बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज मिलते हैं जो दूसरे कार्डों पे, EMI कार्डों पे या फिर क्रेडिट कार्डों पे नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, ये बजाज फाइनेंस से EMI कार्ड पे आपको नो कॉस्ट EMI मिलता है, यानी अगर आप कोई एक मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या फिर कुछ भी सामान परचेस करते हो इस EMI कार्ड से, और उसका जो भी आपको प्राइस होगा वही आपको देना होगा, बल्कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ये एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है जो कि बजाज फाइनेंस EMI कार्ड पे है। ऐसे में तो आप दूसरे बैंकों की क्रेडिट कार्ड या फिर कुछ बैंकों की डेबिट कार्डों से भी आप EMI पे कुछ सामान ले सकते हो, लेकिन बजाज फाइनेंस EMI कार्ड ये स्पेशली सिर्फ EMI के लिए ही बनाया गया है। जी दोस्तों, बजाज फाइनेंस EMI कार्ड अप्लाई करना बहुत ही आसान है, आप अपने खुद के मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हो और साथ में एक्टिवेट भी कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि बजाज फाइनेंस EMI कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है और साथ में कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही इंटरेस्टेड वीडियोस आता रहता है। तो दोस्तों, बजाज EMI कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। इस कार्ड पे आपको 2 लाख रुपए तक के लिमिट्स मिलती है, 100% डिजिटल प्रोसेस है, इसके लिए आपको कोई पे भी जाने की या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड्स अप्रूवल टाइम है, अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको 30 सेकंड्स के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। EMI कार्ड इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। 1 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप EMI पे ले सकते हैं। 24 महीने तक की EMI आप इस कार्ड पे ले सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आप इस कार्ड से ले सकते हैं EMI पर, जैसे कि LED टीवी, स्मार्टफोन्स, फ्रिज, AC, फैशन, फर्नीचर, माइक्रोवेव, सोफास एक्सेट्रा। अगर फीस की बात करें तो इस कार्ड के लिए आपको 449 रुपीज प्लस 89 रुपीज GST, टोटल 530 रुपीज आप पे करने होंगे। एनुअल फीस 170 रुपीज है, लेकिन अगर आप साल में से एक भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो यह फीस आपको पे नहीं करनी होगी। तो टोटल यह कार्ड लेने के लिए आपको 530 रुपीज पे करना होंगे। कार्ड अप्लाई करने के लिए आप इस पे एक मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP या डाल के सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। इस पे आपको अपना फुल नेम डालना है, जैसा पैन कार्ड पे लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे इस कैलेंडर से। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप चूज करेंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आपको सैलरी मिलती है वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। इस पे यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल्स फिल की है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हुए तो आपके सामने आ जाएगा, कांग्रेचुलेशंस, आपका कार्ड अप्रूव हो चुका है। और यहाँ पे आप अपना लिमिट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि जिसके लिए मैंने ये कार्ड अप्लाई किया हुआ है उनको 1,25,000 रुपए की लिमिट मिली है, यानी वो इस कार्ड से 1,25,000 रुपए तक की सामान EMI पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। आपको KYC करनी होगी। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, तो आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पे आप देख सकते हैं आपके कार्ड की टोटल लिमिट्स कितनी है। EMI कार्ड को आप कहाँ यूज कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बजाज के जो 1 लाख से ज्यादा पार्टनर स्टोर है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस ऑनलाइन स्टोर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जितना भी ई कॉमर्स पार्टनर है वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर जगहों पे आप इस EMI कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद कार्ड एप्लीकेट करने के लिए आपको 530 रुपीज का पेमेंट करना होगा। इसके लिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर, जहां आप UPI, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूंगा, HDFC बैंक चूज करूंगा और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद आप अपना EMI कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको इमेंडेड सेट करना होगा। इमेंडेड का मतलब यह है कि जब भी आप इस कार्ड से कोई भी EMI पे सामान लेंगे तो जो भी EMI बनेगी वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट होती रहेगी। तो इमेंडेड सेट करके आप अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे। आपको इमेंडेड पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस पे आपको अपना नेम डालना है, जैसा बैंक पे लिखा हुआ है वैसा ही IFSC कोड डालना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद अकाउंट टाइप चूज करेंगे, सेविंग्स है या फिर करंट है। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन मोड सिलेक्ट करेंगे कि आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए या फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग ही चूज करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यह पेज आ जाएगा। वेरीफाई आप किस तरह से करना चाहते हैं, ATM कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपके अकाउंट पे 1 रुपये क्रेडिट कर दिया गया है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। आप यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज किया है तो आप अपना डेबिट कार्ड के डिटेल्स डाल के सबमिट करेंगे, तो आपका इमेंडेड सक्सेस हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद
आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, आपका EMI कार्ड सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। इमेंडेट से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके बैंक से पैसा नहीं कट करेगा, बल्कि आपका इस कार्ड के थ्रू जितना भी सामान परचेज करेंगे उसकी जो EMI बनेगी वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। अगर आप चाहे तो इसके लिए आप ऐसा बैंक अकाउंट भी चूज कर सकते हैं जिसपे आप अपना बैलेंस नहीं रखते हो। इसके लिए बहुत सारे बैंक है जहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस पे ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जब भी आप इस कार्ड से EMI पे कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद आपको टाइम टू टाइम आपको इस अकाउंट पे आपको पेमेंट लगा देना चाहिए, यानी आपको पैसा लगा देना चाहिए, तो वो आप ऑटोमेटिकली इमेंडेट से पैसा कट हो जाएगा आपके कार्ड के जो भी EMI होगा। और इसके बाद आप अपने कार्ड को मैनेज करने के लिए बजाज फाइनेंस UPI एक ऐप मिलता है, उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल फोन पे और उसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है जो भी दूसरे UPI ऐप पे मिलता है, वैसा यहाँ से आप अपने कार्ड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा इंटरेस्टेड वीडियोस आता रहता है।